तो देखते हैं, वन पेज नोट्स की बात कर रहे थे हम, एओटिक रिगर्जिटेशन की बात करेंगे सीवीएस के अंदर। तो उससे पहले तो हमारे पास एओटिक रिगर्जिटेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रो लिखना होता है यार। तो इनकॉम्पिटेंसी है ये, इनकॉम्पिटेंसी ऑफ एओटिक वॉल। कॉज व्हाट बैक फ्लो, जिसको हम रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, और रिफ्लेक्स नहीं, रिफ्लक्स, रिफ्लक्स ऑफ ब्लड फ्रॉम एओर्टा थ्रू एवी वॉल्व इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग गैस्ट्रो। ठीक है, कारण क्या है भाई? दो तरह कारण होते हैं, एक वेल्वुलर कॉज होता है और एक होता है एओर्टिक रूट प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो वॉल्व के कारण है, वेल्वुलर कॉज के अंदर क्या है? बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस रूमेटिक हार्ट डिजीज ट्रॉमा रेडिएशन। इसीलिए मोबाइल को ऊपर वाले जेब में नहीं रखना चाहिए। सो दिस आर वेल्वुलर कॉज। इसके बाद है एओर्टिक रूट प्रॉब्लम्स, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो कारण है वो है मार्फन सिंड्रोम, है ना? दूसरा है हमारे पास सीवियर हाइपरटेंशन, तीसरा है काइलोजिंग स्पॉन्डाई एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस एओर्टिक डिसेक्शन। ठीक है, तो एटियोलॉजी का याद करने का तरीका क्या है? देखो, जो वेल्वुलर होता है, वेल्वुलर को उसको याद कर सकते हैं बर्थ से, BIRTH। ठीक है, बर्थ आ रहा है बट बर्थ से याद रखना है अपने को, BIRTH। उसके बाद हमारे पास जो मार्फन सिंड्रोम है उसको कैसे याद रख सकते हैं? मतलब जो हमारे पास एर्टिक रूट प्रॉब्लम्स है उसको सैम से, SAN M, सैम से याद कर सकते हैं। हमारे पास इसमें ए दो है। ठीक है, सो ये हो गया इटियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है भाई? ये तो हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो ओवरलोड हो जा रहा है, बिकॉज एओर्टिक वॉल जो है वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, पुश नहीं कर पा रहे, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो वापस से कहाँ पे ब्लड आ जा रहा है? वापस से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में हो जा रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड, जिससे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, वो बड़ा हो जाएगा। ओके, एंड हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जिससे क्या होता है, इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, जिसके वजह से क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी से क्या होगा, जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन चाहिए है ना, बिकॉज ज्यादा ब्लड फील हो गया है, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, एंड कार्डियक आउटपुट बढ़ने से जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, एंड इससे हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये क्या था, पैथोफिजियोलॉजी। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं? पहले तो सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम्स में पाल्पिटेशन होंगे, खुद के धड़कन खुद को सुनाई देगी यार, पाल्पिटेशंस, नॉक्टर्नल एंजाइना, रात में छाती दर्द देगा, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत। तो ये हमारे पास सिम्टम्स हो गए। साइंस के अंदर पहले तो पल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पल्स में हमारे पास 20 फ्रेम देखने को मिलेगा, इट इज अ साइन ना।
बाउंडिंग जो कि एक साइन है वो देखने को मिलेगा, वाटर हैमर पल्स देखने को मिलेगा, एंड वाटर हैमर पल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलैप्सिंग पल्स भी बोलते हैं। एपेक्स के अंदर जो हार्ट का एपेक्स है वहां पे हमारे पास हाइपर डायनामिज्म देखने को मिलता है, विद एपेक्स जो है हाइपर डायनामिक हो जाएगा एंड शिफ्टेड शिफ्ट हो जाएगा एपेक्स जो है, इट शिफ्ट लैटरली एंड डाउनवर्ड, शिफ्ट लैटरली और डाउनवर्ड। मर्मर सुनाई देंगे जिसमें हमारे पास अर्ली डायस्टोलिक मर्मर्स, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर्स जो कि रेडिएट हो जाएंगे, दे आर रेडिएटेड टू एक्सिला, इसको एक नाम देते हैं, बोलते हैं इसको कोल सिसिल मर्मर। ओके, और हमारे पास हार्वेम साइन देखने को मिलेगा। ओके, अगर हार्ट साउंड्स की बात करें तो जो S1 होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, S2 के अंदर जो A2 है वो एब्सेंट हो जाएगा, एंड सिंगल P2 देखने को मिलेगा। कुछ हमारे पास पेरिफेरल साइंस देखने को मिलेंगे यार, इनका कुछ नाम है वो नाम लिखते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल साइंस के अंदर हमारे पास पहला जो है वो है लाइट हाउस साइन, बेकर साइन, मूलर साइन। ओके, डी मोजेट साइन, ओरिगन साइंस, हमने देखा था एक वाटर हैमर पल्स, और क्या बोलते हैं, कोलैप्सिंग पल्स भी बोलते हैं। और क्या देखने को मिलेगा हमारे पास, ट्विंकी साइन देखने को मिलेगा। ओके, बिरोजी साइन देखने को मिलेगा, फिर साइन पे नाम ही काफी है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, इसमें हमारे पास कार्डियो ये भी देखने को मिलेगा, ईसीजी में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी विच इज फॉलोड बाय लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। ओके, हमारे पास पिट्टू में सीवियर देखने को मिलेगा, एंड डॉक्टर रिपोर्ट भी करा सकते हैं, फाइंड आउट एर्टिकल कंडीशन, MRI या फिर सीटी स्कैन कर सकते हैं। हमारे पास एंजियोग्राफी कर सकते हैं, स्टेशन फॉर द नॉन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट पहले तो हमारे पास जो भी सिम्टोमेटिक है कैसे करेंगे, ये
उसके